हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदाणी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइन को कि कांग्रेस ने अदाणी समूह द्वारा सौर परियोजना में चीनी मदद लेने को प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे। इसका असर जो है कल या फिर इस हफ्ते देखने को मिल सकता है या नहीं, उसकी एनालिसिस करेंगे। और मुझे यहाँ पर जो है आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग ही रहा था कि इतने दिन हो गए हैं ये कुछ बोले क्यों नहीं अदाणी जी के ऊपर। और साथ साथ जो है आज छुट्टी का दिन है तो ज़्यादा वीडियोस नहीं आ पाएंगे बिजी शेड्यूल होने की वजह से। कल जो है हम वापस से रेगुलर जो है चर्चा करेंगे कुछ शेयरों के ऊपर। अदाणी टोटल गैस, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन, मंथली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना बाकी है क्योंकि ये पिछला महीना पूरा हो चुका है। अभी आज महीने का आखिरी दिन है, कल जो है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और अभी ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक बात कहे, बाजार के अंदर जो है थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना दिख रही है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ अदाणी ग्रुप के शेयर भी उसके अंदर भी गिरावट हो सकती है, लेकिन अभी भी सपोर्ट जो है वो करीब दिख रहा है। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस के साथ अगर खरीदना है तो मतलब कि खरीदने का एक मौका मिल सकता है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें। तो कई शेयरों के ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। क्या है पूरा मामला, अब इस रिपोर्ट को देखते हैं कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को एक समाचार रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कि अदाणी समूह ने अपने सौर विनिर्माण परियोजना में मदद के लिए 8 चीनी कंपनियों का चयन किया है और उन्होंने भारत को चीन पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए एक रणनीति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि करदाताओं का पैसा चीनी कंपनियों को लाभ न पहुंचाए। अब मतलब कि कुछ मुद्दा नहीं रह गए तो ये, अब मतलब कि ये जो है पूरा मामला क्या है पहले तो हम वो देख लेते हैं, बाद में इसका विश्लेषण भी करेंगे। कि एक्स पर पोस्ट में रमेश ने कहा कि गैर जैविक प्रधानमंत्री, ज़रा देखिए मतलब कि गैर जैविक प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को गलवान झड़पों के बाद राष्ट्र को बदनाम करते हुए कहा कि न कोई हमारी सीमा में घुस आया है न ही कोई घुसा हुआ है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हालांकि वह अपने टेम्पो वाला दोस्तों में से एक की मदद करने के लिए चीनी श्रमिकों, चीनी मतलब को वो खाने वाली चीनी नहीं, चीन कंट्री की यहाँ पर बात हो रही है, चीनी श्रमिकों को उदारतापूर्वक वीज़ा जारी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते हैं। उन्होंने इस पोस्ट के साथ अदाणी सोलर द्वारा चीन से कुछ इंजीनियरों को लाने के लिए केंद्र की अनुमति मांगने के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट को भी टैग किया। देखिए इस पूरे सिलसिले, इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट ज़रूर करें, आपका क्या उसके अंदर जो है विचार है। आगे देखते हैं कि रमेश का टेम्पो वाला दोस्त वाला तंज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव रैली में राहुल गांधी पर किए गए हमले के संदर्भ में है, जिसमें उन्होंने पूछा था कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने अपने हमलों में अदाणी और अंबानी को गाली देना बंद कर दिया और गाली देना क्यों बंद कर दिया और क्या उनकी पार्टी को बदले में उनसे ढेर सारा पैसा मिला। ये मोदी जी ने कुछ ऐसा तंज किया था, हंसते हुए कहा था, ये सवाल पूछा था, मतलब वो तो हम सबको बताया, तब हमने इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाए थे। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के माध्यम से करदाताओं से बड़ी राशि प्राप्त करने वाले अदाणी समूह ने कथित तौर पर अपने सौर विनिर्माण परियोजना में मदद के लिए 8 चीनी कंपनियों का चयन किया है और 30 चीनी श्रमिकों के लिए वीज़ा जारी करने की विशेष अनुमति मांगी है। अब यहाँ पर ज़रा इस पॉइंट को देखिए, सिर्फ 30 चीनी श्रमिकों के लिए वीज़ा जारी करने की विशेष अनुमति मांगी है। अब उन इसके अंदर ऐसे ही इतनी मतलब कि छोटी बात के अंदर भी मतलब कि इनको प्रॉब्लम है। खैर इनके मतलब कि इनके विचार है ये, लेकिन अगर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देख पूरे देश की अगर बात करें तो सब लोग जो है बुरे नहीं होते। अगर ये एक बिज़नेस की बात है और ऐसा होता रहता है चीन से जो है वो भी हमारा मतलब कि कुछ बिज़नेस जो है अभी भी चालू हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। कि कोयला और बिजली उपकरणों के ओवर इन वॉइसिंग और अदाणी समूह की कंपनियों में अवैध हिस्सेदारी जुटाने जैसे कई मोदानी घोटालों की सुविधा देने के बाद ये सभी चांग चुंग लिंग और नासिर अली सबन अहली जैसे व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिए गए। गैर जैविक PM अपने साथी और करीबी दोस्त को लाभ पहुंचाने के लिए इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा के विचारों को क्यों नहीं छोड़ेंगे। रमेश ने कहा कि ये बहुत बुरा है कि ये रियायतें तब भी दी जा रही है जब चीन पूर्वी लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखे हुए है। उन्होंने दावा किया
कि चीन से भारत का आयात 2018-19 में 70 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 101 बिलियन डॉलर हो जाएगा, या फिर हो गया है, आई थिंक हो सकता है ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो या क्या हो। 2023-24 तो पूरा हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि रमेश ने कहा कि यहाँ तक कि PLI योजना भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर आदि क्षेत्रों में चीन को लाभान्वित कर रही है, जहाँ PLI लाभार्थी चीनी विक्रेताओं के साथ बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जबकि वे करदाताओं की सब्सिडी का आनंद ले रहे हैं। ये सब निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता के नाम पर है। आखिर में देख लेते हैं कि उन्होंने कहा कि भारत को चीन पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए उचित रणनीति बनाने का समय आ गया है, तथा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि करदाताओं के धन से चीनी कंपनियों को लाभ न पहुंचे। राष्ट्रीय हित के अधिक अपने मित्रों को प्राथमिकता देना प्रधानमंत्री का स्वभाव हो सकता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय नीति नहीं बनने दिया जा सकता। सो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा देखिए कुछ ऐसा है नहीं, और वो जो ये चीन से मतलब कि ये 30 श्रमिकों की बात हो या फिर जो भी कुछ बात हो, ये एक बिजनेस का जो है हिस्सा रहे हो सकती है। और ऐसे कई देश है, सिर्फ ये चीन ही नहीं, श्रीलंका हो या फिर और भी देश हो, वहाँ पर जो है अदाणी ग्रुप का जो है कारोबार फैला हुआ है, तो ये मतलब कि नॉर्मल सी बात हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो है ज़्यादा इफेक्ट इसका जो है नहीं पड़ सकता, छोटा मोटा इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी अभी जैसे कि हमने बात की कि बाज़ार के अंदर जो है थोड़ी सी गिरावट की संभावना रह सकती है, इसी वजह से कुछ और स्टॉक भी गिर सकते हैं, तो साथ साथ अदाणी ग्रुप के कुछ स्टॉक भी गिरने की संभावना रह सकती है। बाकी इस खबर का असर ज़्यादा पड़ने की संभावना कम रह सकती है। और बात रही इस खबर की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है मतलब कि ये बात करें चीन के मतलब जो ये जो 30 श्रमिकों की वीज़ा देने की और ये सब, तो ये सब एक नॉर्मल सी चीज़ जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि है ये, और ये बिज़नेस की बात है, ऐसा मामला जो है वो होता रहता है, और इससे जो है देश को भी मतलब कि देश के लिए भी ये यूज़फुल रह सकता है, अदाणी ग्रुप के लिए भी यूज़फुल रह सकता है, बिज़नेस को फ़ायदा हो सकता है, तो उसके अंदर कुछ बुराई है नहीं वैसे। दिस इज़ माई थॉट, और आपका क्या कहना है ये नीचे कमेंट ज़रूर करें। और मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर ये लोग मतलब कि सत्ता में आते तो क्या करते, मतलब अभी तो ये मोदी जी है, तो मतलब कि मुझे तो जो है मोदी जी का काम अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जो है बता सकते हैं। और कल जो है वापस से हम चर्चा करेंगे कुछ और अदाणी ग्रुप के शेयरों के बारे में भी, और भी जो है कुछ शेयरों की एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।